कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए रघुवर सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। गढ़वा में जर्जर होकर ध्वस्त हो चुके डैम का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है, जिसके जरिए हजारों एकड़ खेत को पानी मिलेगा और बंजर जमीन फिर से लहलहा उठेंगे। गढ़वा में अब दो मुट्ठी अनाज के लिए किसानों और मजदूरों को पलायन का दंश नहीं झेलना होगा। रघुवर सरकार के प्रयासों से अब हर खेत तक पानी पहुंचेगा। गढ़वा में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा मुहैया कराने के लिए जर्जर होकर टूट चुके खजूरी डैम का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। दरअसल जर्जर होने के बाद डैम का एक हिस्सा बह गया था, जिसके चलते पानी नहीं मिलने से उपजाऊ खेत भी धीरे धीरे बंजर हो गए। लेकिन अब डैम के फिर से निर्माण शुरू होने से लोगों में खेती की आस जगी है। किसानों का कहना है कि डैम बनने से उनकी आमदनी बढ़ेगी और रोटी रोजगार के लिए पलायन भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए, खजूरी जलाशय योजना से यहाँ के किसान 50 गांव आपको जो है समृद्ध हो जाएगा, हर किसान सुखी हो जाएंगे। जो कि झारखंड सरकार के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम को चलाकर हम सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। लगभग योजना पूर्ण है ना, इससे लगभग 30,000 मतलब लोगों को सिंचन कार्य में मदद मिलेगा। सरकार का अच्छा पहल है जो कि खजूरी परियोजना बन जाएगा तो 15-20 गांव के आदमी लाभान्वित होंगे और खुशी का लहर है कि बन जाए ताकि आदमी सुखी संपन्न होंगे, बाल बच्चा भी अच्छे से रहेंगे। खजूरी डैम बनने से सैकड़ों परिवारों का भरण पोषण होगा। किसानों के लिए ये परियोजना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि हर दूसरे साल गढ़वा सूखे की चपेट में आता है और किसानों की खून पसीने की कमाई मौसम की मार से बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब डैम बनने से सूखे का डर नहीं सताएगा। पहली बरसात में पिछले साल डैम जो है सब बह गया था, लेकिन फिर दोबारा उसमें जो काम लगा है, ये सरकार का अच्छा पहल है। अगर डैम बन जाता है और पानी अगर निकासी किसानों को अगर खेत तक मिलता है तो एक बहुत बड़ा कामयाबी होगा यहाँ के लिए। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें फसल बीमा योजना से जोड़ा जा रहा है, साथ ही उन्नत फसल के लिए हर खेत को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। रघुवर सरकार के इस प्रयास से किसानों की चिंता दूर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।